राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 में 300 बेड का जो आज यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश की जनता को, बरेली की जनता को। हम योगी सरकार से केवल इतना कहना चाह रहे हैं, जो उनका एक सपना है राम नाम जपना और पराया काम अपना, केवल वो उस चरित कहावत को चरितार्थ कर दे और इस अस्पताल को जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है, उस कहावत को चरितार्थ कर दे कि जो राम नाम सपना और पराया काम अपना, उसका उद्घाटन इनको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जो जिला अस्पताल है वो पूरा भरा हुआ है, मरीज त्राही त्राही कर रहा है, डेंगू से परेशान है, और हम ये चाहेंगे इसका उद्घाटन वो जल्दी करें बनाकर, वरना समाजवादी लोग इसका उद्घाटन जैसे श्यामतगंज पुल का किया उसी तरीके से हम लोग इसका भी उद्घाटन करने को बाध्य हो जाएंगे। आज हम लोग सोई सरकार को आज जगाने आए हैं यहाँ पर। 2017 में जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेड का बरेली में बनके तैयार हो गया था, मात्र उद्घाटन की वजह से ये 2.5 साल इंतजार कर रहा है। आज बरेली की जो जनता है वो डेंगू से और तमाम बीमारियों के प्रकोप से जूझ रही है, लेकिन ये सोई सरकार जगने का काम नहीं कर रही है। आज हम लोग ये सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने आए हैं कि वो जागें और इस हॉस्पिटल को बरेली के लिए सौंपें, ताकि बरेली की जनता उचित लाभ उठा सके। समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी ने बरेली की जनता को बहुत सारी सौगातें दी। उन सौगातों में एक 300 बेड का अस्पताल भी है। 2017 में लगभग ये पूरा हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पूरे होने को आ गए, सिर्फ 30 दिन रह गए हैं, तब भी अभी तक ये जनता की सौगात जनता को नहीं सौंपी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बाबा जी इस जनता की सौगात को अपने झोले में छुपाए हुए घूम रहे हैं, जबकि जनता इस तरीके से जैसे हम घायल हैं, बीमार होती है। आज हमने सांकेतिक रूप से घायल होने का प्रदर्शन किया है यहाँ पर कि ऐसे ही जनता परेशान है, देखो ऐसे ही जनता घायल है। हमारी सौगात, समाजवादी की सौगात अब जनता को सौंप देना चाहिए, यह हम यहाँ मांग करते हैं।